केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था सुधारने के लाख बड़े बड़े वादे कर ले और कालाबाजारी व्यवस्था सुधारने के लाख प्रयास कानून बना ले, लेकिन ना ही कालाबाजारी थमने का नाम ले रही है, न ही भ्रष्टाचार थमने का नाम ले रहा है। दिन ब दिन कालाबाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें सरकार की कानून व्यवस्था और कानून पर खुद ही सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें सरकार के बड़े बड़े वादे और कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडी क्षेत्र के भीतखेड़ा बिजली घर संविदा कर्मी का सामने आया है। भीतखेड़ा बिजली घर में उस समय हड़कंप मच गया था जब मारूफ नाम के युवक ने एक संविदा कर्मी पर 18,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। पीड़ित मारूफ ने बताया कि कुछ दिन पहले कलियर शरीफ के लिए बस रवाना की जा रही थी, जिससे खाड़ी बस की छत पर बिजली का तार टच हो जाने से बस में करंट उतर गया। बस में सवार बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आनन फानन में बस चालक ने बस को तार से टकराता देख बस को तुरंत हटाया, जिससे तार टच हो जाने से बड़ा हादसा हो सकता था। यह सब बस चालक ने बस को लाइन के नीचे से हटाकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया था, जिसके चलते पीछे खड़े पोल से बस हटाने से पोल में बस जा टकरा गई थी। बस पोल से टकराने से पोल क्षतिग्रस्त हो गया था। बिजली घर में मौजूद संविदा कर्मी ने पोल टूट जाने के 18,000 रुपए की मांग की थी। यदि पोल का जुर्माना नहीं दिया गया तो पीड़ित मारूफ के खिलाफ FIR कराने की धमकी भी संविदा कर्मी दी थी। पुलिस के डर से पीड़ित मारूफ ने 12,000 रुपए संविदा कर्मी को उसी टाइम दे दिए थे और 6,000 रुपए बाद में कुछ दिन बाद बिजली घर में ही दिए थे, जिसका पीड़ित ने पैसे देते वक्त संविदा कर्मी का फोटो खींच लिया था और घर पहुंचकर संविदा कर्मी से फोन पर बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली गई थी। यह सब रिकॉर्डिंग और फोटो सोशल मीडिया पर पीड़ित मारूफ ने अब वायरल कर दिए है। पीड़ित मारूफ ने यह सब कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के नाम पर धांधली बाजी को देखते हुए मौजूदा बिजली घर दलपतपुर पहुंचकर लिखित रूप में SDO को एक पत्र देकर बिजली घर में तैनात संविदा कर्मी के खिलाफ तत्काल हटाने व उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात की है। तो वही SDO ने बताया, यह सब मामला मेरे संज्ञान में आ चुका है, वे मौजूद संविदा कर्मी को तत्काल हटा दिया जाएगा और जो रिश्वत के नाम से उसने पैसे लिए हैं वे जांच कर पीड़ित को दे दिए जाएंगे और संविदा कर्मी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। पीड़ित मारूफ का पत्र लेते हुए SDO ने यह भी बताया कि यह सब ऐसे कई मामले संविदा कर्मियों द्वारा मुंडा पांडी क्षेत्र में आ चुके हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वे कुछ दिन बाद फिर वही लोग दिखाई देते हैं। SDO ने पीड़ित फुरकान नाम के संविदा कर्मी को तत्काल हटाने की बात कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह होगा कि बिजली घर में तैनात संविदा कर्मी इसी तरह कालाबाजारी करते रहेंगे या फिर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी होगी, या फिर यूं ही यह सब कालाबाजारी चलती रहेगी और कोई भी संविदा कर्मियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जाएगी। मामला ये था कि 5 जनवरी शाम तकरीबन 8 बजे एक बस कलियर के लिए रवाना हो रही थी, तो गाँव के बाहर एक मोड़ है जिसके दोनों साइडों में दो दो खंभे लगे हैं। बस मोड़ने पर वो जो तार था वो बस से टकरा गया, जिससे कि जो लाइन थी 11,000 की वो बस की छत पर गिर गई। उसमें बैठी हुई सवारी को बचाने के लिए ड्राइवर से कहा गया कि तेज़ी से बस को निकाला जाए। उसने जब बस को निकाला तो उसकी चपेट में आकर 3 खंभे गिर गए। लाइनमैन को फ़ोन किया कि आप जो है बिजली की जो सप्लाई है उसको बंद कर दें, तो प्रमोद नाम के जो लाइनमैन हैं वो वहाँ पर आकर उसने सप्लाई को बंद कर दिया गया और अगर उसने हंगामा किया बस को रोक लिया गया। बोले कि आपने जो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है इसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। कितने पैसे दिए थे आपने उस टाइम? उसने 12,000 रुपये हम लोगों से वसूले और बोला कि आपको टोटल 18,000 रुपये देने हैं, बाकी हम लोगों ने कहा कि बाकी 6,000 रुपये आकर के दे देंगे। बोला ठीक है, उसने जाने दिया। जब हम 7 तारीख को वापस आए तो उसने फ़ोन करके बिजली दफ्तर हिरन भीतखेड़ा बुलाया और बोला कि आप 6,000 रुपये और दें। तो उसने फुरकान और प्रमोद जो हैं दोनों ने 6,000 रुपये हम लोगों से लिए और फिर उसने कहा कि अब लाइन चालू आपकी हो जाएगी, नए खंभे लगा दिए जाएंगे। कल उसने उन्हीं पुराने खंभों पर लाइन चालू कर दी है, जिससे कि 2 खंभे जो पुरानी लाइन के उससे उसका कोई मतलब नहीं था। उसने उसी पर जब लाइन चालू की तो हमें पता चला कि इन लोगों ने हमसे जो है पैसे जो है भ्रष्टाचार के रूप में जो है प्राप्त किए। कितने पैसे ले लिए टोटल? टोटल 18,000 रुपये इन लोगों ने ले लिए हमसे। क्या सबूत है आपके पास जो 18,000 रुपये उन्हें दिए? सबूत के लिए जो भीतखेड़े का जो बिजली दफ्तर है उसमें कि एक इन लोगों की फ़ोटो है पैसे देते हुए, दूसरी बात
जो मेरे फ़ोन से बात हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास क्लिप में। आप कहाँ पर हैं? आप इस समय मैं बिजली विभाग जो दलपतपुर का वो है उपकरण के, तो वहाँ पर मौजूद हूँ। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी यहाँ पर? अभी किसी कोई अधिकारी से बात नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? ये चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तब भी ये लोग पैसा वसूलते हैं। गाँव में लोग चंदा इकट्ठा करके 50-100 रुपये दे करके नया ट्रांसफार्मर इन लोगों से मंगाते हैं, वरना ये लोग 10 से 15 दिन तक बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपसे पैसे लिए कई बार इन्होंने, कोई और भी मामला क्या है? कई मामले संज्ञान में इनके आए हैं, लेकिन गांव वाले वो ये है कि वो जागरूक नहीं है, लोग इन्हें समझदार नहीं है, उन लोगों से ये पैसा वसूल। बिजली विभाग के आला अधिकारी और वहाँ के जिलाधिकारी से आपकी बातचीत हुई है इस रिकॉर्डिंग के बारे में और धांधली के बारे में? इस रिकॉर्डिंग के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। ये लोग वहाँ के लीडर रहते हैं, वहाँ पर कोई जाता नहीं है देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या नहीं हो रहा, कोई अधिकारी नहीं पहुँचता है। अब क्या करने के लिए आए हैं आप बिजली? मैं ये चाहता हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसा अगर होता रहा तो जो सरकार है, जो हमारी सरकार काम कर रही है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो ये तो और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो आला अधिकारी हैं बिजली विभाग के, उनसे मेरा यही कहना है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और ये भ्रष्टाचार को रोकें, और वहाँ पर जाकर निरीक्षण करें कि कैसी स्थिति बनी हुई है। अच्छा, जो जिन्होंने ये पैसे लिए हैं कोई सरकारी अधिकारी हैं, कौन है? इसके बारे में तो मुझे तत्काल जानकारी नहीं है, लेकिन बताया गया है कि ये संविदाकर्मी हैं, लाइनमैन हैं, और सरकारी से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी रिकॉर्डिंग और आपका जो भी आरोप है ये सत्य पाया जाता है, तो क्या उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए या लगे रहना चाहिए इस लाइन? उनको तत्काल हटाना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को जो है नहीं रखना चाहिए जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए।